हाई एंड वेलकम बैक टू द लॉ इन साइट मैं हू दिशा एंड एंटर डे वी आर गोइंग टू कवर द नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ नाउ नेचुरल थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से दूर है अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ और डॉट्स कनेक्ट करते हुए समझोगे तो आई एम डैम श्योर ये थ्योरी पूरी तरीके से समझ में आएगी चलो अब नेचुरल स्कूल को स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल स्कूल का कोई एक वर्जन नहीं है देयर आर मेनी वर्जनस ऑफ इट अलग-अलग जुरिस्ट ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स में नेचुरल स्कूल को एक्सप्लेन किया है जैसे एंशिएंट टाइम में सुक्रेट्स प्लेटो और अरिस्टोटल ने नेचुरल लॉ को एक्सप्लेन किया मिडिवल टाइम में थॉमस एक्विनास आए और लेटर मॉडर्न टाइम में ह्यूगो होब्स लॉक और रूसो ने अपने अकॉर्डिंगली नेचुरल स्कूल को इंटरप्रेट किया इन सभी की थ्योरीज आपस में काफी डिफरेंट है इवन कहीं कहीं पे कॉन्ट्राडिक्टी भी है लेकिन एक चीज पे सभी लोग अग्री करते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है लेकिन नेचुरल थ्योरी के के सारे जुरिस्ट मानते हैं कि पॉजिटिव लॉ ऊपर भी कोई एक हायर लेवल का लॉ है अब ये हायर लेवल का लॉ क्या है ये आगे हम लेक्चर में समझेंगे फिलहाल अभी चलते हैं ग्रीस में सो ग्रीस के एंशियंट थिंकर्स ने नेचुरल स्कूल का बेसिक फंडा दिया है कि एक्चुअल में नेचुरल लॉ के बेसिक फीचर्स क्या है तो एंशियट टाइम पीरियड में हम तीन जुरिस्ट को पढ़ेंगे सोक्रेट्स प्लेटो एंड एरस्टोटल इन तीनों के बीच में टीचर और डिसाइपल का रिलेशन है सोक्रेट्स प्लेटो के टीचर थे प्लेटो एरिस्टोटल के टीचर थे और एरिस्टोटल अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे अलेक्जेंडर जूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है इसीलिए हम इन तीन जूरिस्ट के थ्योरीज को पढ़ेंगे सो so, सोक्रेट कहते हैं की ह्यूमन के पास इन है जिसके थ्रू वो गुड और बैड मतलब सही या गलत को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस अगर सबसे पूछा जाए कि मर्डर करना सही है या गलत तो सभी इस बात पर अग्री करेंगे कि नहीं मर्डर करना गलत है ऑफ द फैक्ट कि उन्हें दॉस की समझ है या नहीं या वो लिटरेट है या नहीं उन सब के अंदर की इन उनसे बोलेगी कि नहीं मर्डर करना गलत है अब सुक्रेट्स नहीं मानते कि ह्यूमंस को पॉजिटिव लॉस को ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए उनका मानना है कि ह्यूमंस की इन डिसाइड करती है कि क्या सही है और क्या गलत है और उसके अकॉर्डिंगली उनको गुड को चूज करना चाहिए अब सोक्रेट्स के बाद उनके डिसाइपल प्लेटो आते हैं जो कहते हैं कि एक आइडल रिपब्लिक को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ये जरूरी है कि कोई एक क्लास रिपब्लिक को लीड करे तो प्लेटो के अकॉर्डिंग गार्डियन क्लास की ये ड्यूटी है कि वो रिपब्लिक को लीड करे इसके अलावा उनका भी एक सुप्रीम लीडर होगा जिसको हम फिलोसफर किंग बोलेंगे आगे प्लेटो बोलते हैं की रिपब्लिक को फर्दर फंक्शन करने के लिए थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है न थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स दो अलग वर्ल्ड में डिवाइडेड है स्पिरिचुअल realm एंड फिजिकल वर्ल्ड इन दोनों का मीनिंग हम पिज़्ज़ा के एग्जांपल समझते हैं सो so, सपोज एक पिज़्ज़ा है जो परफेक्ट शेप परफेक्ट साइज़ और परफेक्ट टेस्ट का है वो इतना परफेक्ट है कि उसके जैसा कोई दूसरा पिज्ज़ा नहीं बनाया जा सकता अगर कोई दूसरा पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश भी करेगा तो हो सकता है उसका परफेक्ट शेप ना हो या परफेक्ट साइज ना हो या परफेक्ट टेस्ट ना हो अब प्लेटो भी सिमिलरली यही कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट और अनचेंज हैं अनचेंज का मतलब है कि वो यूनिवर्स में हमेशा से एग्जिस्ट करते थे और आगे भी करते रहेंगे इसके बाद अर्थ पर या फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फॉर्म्स या ऑब्जेक्ट्स हैं

के स्टूडेंट आते हैं, जिनको कहा जाता है। उनको का फादर कहा जाता है उनकी काफी हुई थी तो अब ह्यूमंस दो तरीके से नेचर का पार्ट है फर्स्ट ह्यूमंस बाकी क्रीचर की तरह गॉड की ही एक क्रिएशन है एंड सेकेंडली ह्यूमंस नेचुरली रीजन डेवलप करते हैं अब रीजन का मतलब लॉजिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग होता है तो अब एरोस्टोटल मानते हैं कि इस वर्ल्ड में प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी और जस्टिस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और हम ह्यूमंस रैशनल माइंड की हेल्प से प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस और मोरालिटी को डिस्कवर करते हैं इसके बाद जो हमारे ह्यूमन मेड लॉज है उनका नेचुरल लॉ के साथ अलाइन होना जरूरी है लाइक फॉर एग्जाम्पल मर्डर एक इमोरल और और एक अनजस्ट एक्ट है और इस बात से सभी लोग करेंगे तो अब ह्यूमन मेड लॉज में हम मर्डर को एक लीगल एक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और मोरालिटी के अगेंस्ट है नाउ नेक्स्ट मिडिवियल एज की बात करते हैं सो मिडीवियल एज के टाइम रोम डार्क एज से इमर्ज हो रहा था नाउ डार्क एज अपने आप में काफी ब्रॉड टॉपिक है और हमारे

अभी आपको भूख लगी है तो फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा इट इज ऑब्सू करने के लिए खाना खाएंगे तो Aquinas के के इस छोटे से काम के लिए भी हमने अपना reason या rational thinking use की है हमें हमारे reason ने बताया है कि भूख को satisfy करने के लिए हमें खाना खा लेना चाहिए अब अपने एग्जाम्पल में भूख को सैटिस्फाई करना हमारा एंड गोल है और खाना हमारा मीन्स जिसकी हेल्प से हम एंड गोल अचीव करेंगे अब एक्वेनास के अकॉर्डिंग लॉ हमारा मीन्स है जिससे हम एंड गोल अचीव करते हैं मीन्स एंड एंड के बीच का रिलेशनशिप सिर्फ एक लेजिस्लेटर का माइंड ही समझ सकता है और बेटर डिसाइड कर सकता है इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं इन अ वेरी सिम्प्लीफाइड वे ना सपोज देर इज़ अ फादर जिसकी बेटी बीमार है और उसके पास पैसे नहीं है अपनी बेटी के ट्रीटमेंट करवाने के लिए ना वो डिसाइड करता है कि वो चोरी करके पैसे लाएगा और अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाएगा यहाँ पर ट्रीटमेंट एक एंड गोल है और पैसे उसका मीन्स अब हेयर कम्स रोल ऑफ अ अगिस्लेटर अब लेगिस्लेटर का काम है कि वो मीन्स प्रोवाइड करे वो ऐसे लॉज बनाए जिसके अंडर पब्लिक हॉस्पिटल्स बनाए जा सके जहाँ पे लोग का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके अब इसके आगे एक्वनास कहते हैं कि ह्यूमन्स नेचर का ही पार्ट है और इसीलिए उनके कुछ बेसिक बिहेवियर्स है जैसे सर्वाइवेबिलिटी या देयर स्पीशीज तो ह्यूमंस बेसिक नेचर की वजह से होकर गलत ले सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे एक फादर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पल्सिव होकर गलत डिसीजन ले सकते हैं तो इसीलिए एक्वनास कहते हैं कि हम ह्यूम्स पर कंप्लीटली रिलायन नहीं हो सकते हैं और इसीलिए अर्थ को गॉड कंट्रोल करते हैं थ्रू इटर्नल लॉज ऐसा नहीं है कि गॉड ने अर्थ को क्रिएट किया और छोड़ दिया नहीं बल्कि गॉड अर्थ को कंट्रोल भी कर रहे हैं थ्रू इटर्नल लॉस अब लॉ के अलावा भी एक्वानास ने लॉ को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है एक्वेनास के अकॉर्डिंग लॉ फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड दे है इटर्नल लॉ नेचुरल लॉ डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ इसमें इटर्नल लॉ ऐसा लॉ है जिसको खुद गॉड ने बनाया है और जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता इटर्नल लॉस के थ्रू वो अर्थ को कंट्रोल करते हैं नेक्स्ट है नेचुरल लॉ जो हमेशा से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम अपने रैशनल माइंड से उन्हें डिस्कवर करते हैं देन डिवाइन लॉ जो इटर्नल लॉ से ही डराइव किया गया है ये वो लॉज है जो रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन है और इन रिलीजियस टेक्स्ट को चर्च इंटरप्रेट करता है और यहीं पर एक्विनास की थ्योरी में चर्च या रिलीजन की इम्पोर्टेंस रिफ्लेक्ट होती है कि कैसे उन्होंने डिवाइन लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए चर्च को इन्वॉल्व किया है नाउ लास्ट फोर्थ इज ह्यूमन लॉ जो सोसाइटीज या गवर्नमेंट्स बनाती है यहाँ मिडर पीरियड खत्म होता है जिसके बाद मॉडर्न पीरियड में आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग देयर अ टाइम जब सोसाइटी में कोई लॉ या कोई गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी उस टाइम ह्यूम ने एक अग्रीमेंट किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी फ्रीडम और अपने राइट को एक अथॉरिटी को सरेंडर कर दिया और इन रिटर्न उस अथॉरिटी ने उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इसी तरह सॉवरन अथॉरिटी एग्जिस्टेंस में आई अब इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को ह्यूगो होब्स लॉक और रूसो ने एक्सप्लेन किया है सबसे पहले ह्यूगो का एक्सप्लेनेशन समझते हैं तो ह्यूगो मानते हैं कि लोगों की ड्यूटी है कि वो रूलर के सभी रूल्स या कमांड्स को फॉलो करें विदाउट एनी कंडीशन अब इसी पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए वो आगे बोलते हैं कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें सोसाइटी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रेजेंस मिलेगी जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी के लोग खुद विलिंगली अपने राइट्स को एक रूलर को ट्रांसफर करते हैं एंड इन रिटर्न वो रूलर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली लोग खुद अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ करते हैं वो खुद चूज़ करते हैं कि उन्हें कौन रूल करेगा तो जब लोग वॉल्टेरली अपने राइट्स को सरेंडर करते हैं अपने रूलर को चूज़ करते हैं तो वो कैसे अपने रूलर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्योंकि सोसाइटी ने अपना रूलर ख़ुद चूज़ किया है तो वो उसको या उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इसके बाद होप्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है उनकी थ्योरी थोड़ी नेगेटिव साउंड करती है वो कहते हैं कि ह्यूमंस का एक बेसिक नेचर है सेल्फ प्रिजर्वेशन होप्स के अकॉर्डिंग पहले लोग अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन और पावर एंड रिसोर्सेज को गेन करने के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे ये सिचुएशन बहुत अनस्टेबल थ्रेटनिंग और डेवस्टेटिंग थी सबके अंदर एक सेंस ऑफ फियर था होप्स की लैंग्वेज में इट वॉज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल अब उस टाइम ह्यूम के अंदर के रीजन ने उनको डिक्टेट किया कि उनको इस कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर को स्केप करना है उनको अपने लिए परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए अब परमानेंट सिक्योरिटी के लिए लोगों ने डिसाइड किया कि सारे राइट्स को एक रूलर को एज लिविया डिस्क्राइब किया है जिसका मतलब सी मॉन्स्टर होता है उनके अकॉर्डिंगली रूलर की अथॉरिटी एक सी मॉन्स्टर की तरह पावरफुल होती है जिसके ऑर्डर्स को फॉलो करना जरूरी है उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ना कोई रूलर को चेंज कर सकता है ही इज एन एब्सोल्यूट पावर होप्स कहीं भी चर्च की अथॉरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं फॉर हिम द रूलर इज एन एब्सोल्यूट पावर अब नेक्स्ट थ्योरी लॉक की है सो लॉक होप्स की तरह पेसिमिस्ट इंसान नहीं थे बल्कि काफी ऑप्टिमिस्टिक थे वो कहते हैं कि अगर हम इनिशियल स्टेज में जाएंगे जब लॉक या गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी तब भी सोसाइटी में बहुत शांति थी लोग म्यूचुअल कोपरेशन के साथ रहते थे उस टाइम लोग नेचुरल लॉस को नेचुरल रीजन से डिस्कवर करते थे आगे लोग कहते हैं कि सोसाइटी में किसी के पास भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं हो सकती इवन स्टेट के पास भी आर्बिट्री पावर्स नहीं है लॉक मानते हैं कि लोग वॉलेंटरली अपने पावर्स गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट लोगों की कंसेंट से फॉर्म होती है और अगर गवर्नमेंट लोगों को सब्रेस करने लगे तो लोग उस गवर्नमेंट को हटाकर एक नई गवर्नमेंट भी स्टेब्लिश कर सकते हैं जो लोगों के अपने नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करें इसमें ही लास्ट पॉइंट लॉक बोलते हैं कि हमारे जितने भी लॉस है उनका नेचुरल लॉस के साथ अलाइन होना जरूरी है हमारे लॉस नेचुरल लॉस के अगेंस्ट नहीं हो सकते अब रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट टूरिस्ट है उनका मानना है कि ह्यूमंस रीजन से ज्यादा इमोशनल डिसीजंस पर डिपेंडेंट है रूसो की ही कोटेड लाइंस है दैट मैन बाय नेचर नेवर थिंग्स एंड ही हु थिंग्स इज अ करप्ट क्रिएचर वो मानते हैं कि पहले ह्यूमंस इनोसेंट थे और अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहते थे लेकिन ऐसा स्टेट ज़्यादा लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कुछ टाइम बाद लोगों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया सब अपने बारे में सोचने लगे और सेल्फिश हो गए जो स्ट्रॉन्ग था उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज थे और इसीलिए वो रिच बन गया और जो वीक था वो पुअर रह गया और इस वजह से सोसाइटी में अन आ गई लाइफ वर्स हो गई लोग क्राइम्स कमिट करने लगे फिर लोगों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया जिसको उन्होंने अपने राइट्स दे दिए और लेटर उस कम्युनिटी ने सोवरन अथॉरिटी का फॉर्म ले लिया अब फाइनली अगर नेचुरल लॉ के क्रिटिसिज्म की बात करें तो ऑस्टिन और बेंथम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है नेचुरल थ्योरी के अगेंस्ट बेंथम कहते हैं कि नॉनसेंस है वो नहीं मानते कि कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज एग्जिस्ट करती है और अगर कभी पास्ट में ऐसी चीज एग्जिस्ट करती भी होगी तो भी वो आज की प्रेजेंट जनरेशन को अफेक्ट नहीं करती है ऑस्टिन भी नेचुरल लॉ को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि नेचुरल स्कूल एम्बिगुस और मिसलीडिंग है वो बिल्कुल ही है करते हैं कि कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी थ्योरी एग्जिस्ट करती होगी वो इस बात को भी डिनाई करते हैं कि गवर्नमेंट लोगों की कंसेंट से चलती है वो कहते हैं कि लोग हैबिट ऑफ ओबिडेंस की वजह से लॉ फॉलो करते हैं अब ऑस्टिन और बेंथम को मैंने ऑलरेडी एनालिटिकल स्कूल में कवर कर रखा है एंड यू कैन चेक दैट लेक्चर इन द स्टूडेंट प्ले लिस्ट एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड आई होप सब समझ में आया होगा एंड समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन अनदर लेक्चर टिल देन हैप्पी लर्निंग